जीआरपी थाना कैंट बनारस का पहला एसी थाना माना जाता था, लेकिन इस समय यहां बिजली की भारी समस्या है। आए दिन बिजली कट जाती है और घंटों तक नहीं आती है, जिससे पुलिसकर्मी अंधेरे में कार्य करने को मजबूर हैं। थाना जीआरपी कैंट उप निरीक्षक कमलेश यादव का कहना है कि पुलिस विभाग का कार्य इंटरनेट पर चल रहा है, बिजली न होने से कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के सारे थाने ऑनलाइन हो गए हैं, जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो ऑनलाइन लिखी जाती है। बिजली न रहने से रिपोर्ट लिखने में दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि थाने पर यह समस्या आए दिन हो रही है, बिजली कनेक्शन है लेकिन आए दिन बिजली कट जाती है। बिजली कटने के बाद काफी देर तक आती नहीं है। रेलवे के अधिकारियों से संपर्क करने पर उनके द्वारा कोई जवाब नहीं मिलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एसी लगी तो है, इसका ट्रायल भी हुआ है, लेकिन अभी ये चालू नहीं हुई है। अब पुलिस का कार्य सब इंटरनेट पर चल रहा है और बिजली न रहने से कार्य प्रभावित हो रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी रेलवे की है और इस संबंध में हम लोग क्या कह सकते हैं, रेलवे ही इसकी जिम्मेदार है। क्या क्या सुविधाएं वहां पे मिली हैं जो कि अभी बिजली की वजह से बाधित? मीडिया के सताओं अब सारे थाने प्रदेश के ऑनलाइन हो गए हैं और जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो ऑनलाइन लिखी जाती है। बिजली न रहने से रिपोर्ट लिखने में दिक्कतें होती हैं और लाइट, गर्मी भी पड़ रही है, स्टार्ट हो गई 40 डिग्री करीब पारा जा रहा है, पंखा भी नहीं लगा है, कैसे? हाँ, पंखे तो नहीं लगे हैं और कार, सबसे बड़ी समस्या हमारी कार बाधित हो रहा है, बस बाकी तो चीज़ें सब चल रही हैं। कितने स्टाफ हैं लगभग थाने के? थाने पर तो मुंशी स्टाफ रहता है और मालखाने हैं, हवालात है और पारा है, बाकी तो ड्यूटियाँ रहती हैं बाहर, लेकिन मेन समस्या हमारी है केवल कार्य बाधित होना, लिखा पड़ी का। जो रेलवे से ही आप पूछें तो रेलवे वाले बताएंगे इसके संबंध में कि क्या हो रहा है, क्यों बिजली कट रही है बार बार। कितने समय से ये दिक्कत है? ये आए दिन होता रहता है। तो बिजली मिली हुई है पहले की? हाँ, बिजली तो कनेक्शन है लेकिन आए दिन कट जाती है और कटने के बाद काफ़ी देर तक आती नहीं है। जो रेलवे के अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने क्या बताया? उनसे संपर्क किया गया लेकिन अब नई बिल्डिंग है और कोई माकूल जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है।